Class 12th English Yoga Bharti, Chapter An Astrologer's Day, written by R. K. Narayan. Complete explanation in Hindi. R. K. Narayan, Puram Krishna Swami, A year, Narayan Swami is one of the best known novelists among Indian English writers. ये जो आर के नारायण हैं ये बड़े बहुत अच्छे एक इंग्लिश नावलिस्ट थे जो इंडिया के थे और इंग्लिश नावल्स लिखा करते थे ही इज़ द ऑथर ऑफ फोटीन नावल्स उन्होंने फोर्टीन नावल्स लिखे थे एंड फाइव वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अ नंबर ऑफ ट्रैवलॉग ट्रैवलॉग मतलब जो घूमने जाते हैं और उस यात्रा को जो डिस्क्राइब करते हैं उसे बोलते हैं एंड हैज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन टू हिज क्रेडिट उन्होंने काफ़ी नॉन फिक्शन भी लिखे थे He also has written his memoir My Days 19, in 1975. Naran has created the imaginary town of Malguri. Malguri Days, one serial in TV, me a natural, normal ka ek serial. Tha, where realistic characters in a typical English setting lived amid unpredictable events. Realistic characters or poor Indian settings. Mein his stories are grounded in compassionate humanism and celebrate the human humor and energy of ordinary life. his stories are characterized by simple style and subtle spirit. naran was introduced to american readers in 1952. बाय द मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस अमेरिकन रीडर्स को मिशिगन यूनिवर्सिटी से लेकिन आर के नारायण के बारे में पढ़ने को मिला उसमें से जो उनके कुछ नॉवेल्स थे वो थे स्वामी एंड फ्रेंड्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स द डार्क रूम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट द वेटिंग फॉर द महात्मा द गाइड एंड मैनी अदर बुक्स His novel, The Guide, won him the Sahitya Academy Award, award in 1961. He the most coveted literary honor in India. His writing is distinguished by humor, an unoffending irony, a unique Indianness, and a simplicity which is utterly charming and authentic. His writing was, was humor. Meaning, <coughs> एक बहुत ही अट्रैक्टिव लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे नारायण टिपिकली पोट्रेट उन्होंने जो पिक्यूलरिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया था और स्पेशली इंडियन डेली लाइफ में हिज स्टाइल इज ग्रेसफुल मार्ग बाय जीनियल ह्यूमर एलिगन्स एंड सिंपलिसिटी ये जो था ये था अबाउट ऑथर अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स पंक्चुअली यानी डेली बिना किसी दिन न गए गए हुए यानी जो रेगुलर काम होता है दैट इज ऑन एज पंक्चुअल वर्क रोज मिड डे जैसे ही दिन होता है वो आके अपना बैग खोलता है और अपनी सभी प्रोफेशनल इक्वमेंट्स को फैलाना स्टार्ट कर देता है उनके प्रोफेशनल इक्विपमेंट में क्या है विच कंसिस्टेड ऑफ द डजन कोवरी शेल्स कोवरी मतलब सी एनिमल जो सी एनिमल्स की शेल्स होती हैं वो उसमें इंक्लूडेड है अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ छोटे छोटे स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ हैं उसमें विथ ऑप्स्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट और उन स्क्वायर शॉर्ट चार्ट्स उस जो स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है उस पर बिल्कुल न पढ़ने वाली हैंड राइटिंग जिसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है ऐसे चार्ट्स बने हुए हैं नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पामिया राइटिंग पामियरा यानी एक काइंड ऑफ पाम ट्री के जैसा रहता है जिसके ऊपर बिल्कुल न पढ़ने जैसी राइटिंग हिज फोर हेड वॉज रेस्पलेंडेंट रेस्पलेंडेंट मतलब ब्राइट डेजलिंग एंड इम्प्रेसिव वो जो इंसान ये सब कर रहा है उनका फोर हेड एकदम इम्प्रेसिव है इसके अला अलावा विथ अ सेकड एश उस पर जो राख अपन लगाते हैं वैसा वर्मीलियन एक जो पंडित लोग मालाएँ पहनते हैं वो एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम और उसकी उनकी जो आँखें हैं वो चमक रही थी एक शार्प एबनॉर्मल यानि जिसको हम पता नहीं लगा सकते ग्लीम यानि चमक से विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूस सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स शायद उन आंखों में चमक इसलिए आ गई थी क्योंकि उन आंखों में हमेशा एक कस्टमर को ढूंढने की एक जो आस रहती थी उससे वो चमक आ गई थी बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कम्फर्टेड और उनके जो सिंपल क्लाइंट थे जब वो उनकी तरफ देखते उन पंडित जी की तरफ पंडित जैसे इंसान की तरफ तो वो ऐसा समझते कि शायद उनकी आंखों की ये चमक एक संत की आंखों की चमक जैसी है और वो अपने आप को कम्फर्ट फील करवाते द पावर ऑफ हिस्स आईज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस्ड एज देवर बिटवीन द पेंटेड फोर हेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स हो सकता है उनकी आंखों की जो चमक है वो इसलिए भी बढ़ गई है इन्हेंस हो गई है बढ़ गई है क्योंकि उनकी जो पोजिशन है जो इस तरीके से है कि उसके फोरहेड पे राख मली हुई है एकदम डार्क फोरहेड है और नीचे उसकी जो बड़ी बड़ी मूछे हैं जो जो कि उसके चेहरे तक आ रही थी इवन अ हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन अच्छे सेटिंग अगर आँखों में कम भी चमक होती आधी जो इससे आधी भी अगर होशियारी होती तो भी शायद ऐसी सेटिंग में वो आँखें चमक जाती टू क्राउन द इफेक्ट इस इफेक्ट को और बढ़ाने के लिए ही वाउंड अ सेफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड उन्होंने अपने सर पे एक पगड़ी पहनी हुई है जिसका सेफ्रॉन कलर है यानी जिसको हम ऑरेंज कलर या जो पंडित जी पहनते हैं भगवा कलर टाइप में वैसे कलर की एक टर्बन एक पगड़ी पहनी हुई है दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड और ये जो कलर स्कीम और इस तरह का जो सेटअप है वो कभी फेल नहीं हो सकता लोग न चाहते चाहते हुए भी इस पर विश्वास करते ही हैं पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज द बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस आर दहेलिया स्टॉक्स लोग उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाते जैसे कि मधुमक्खी अट्रैक्ट होती है कॉस्मॉस और दहेलिया के डंडियों के तरफ ही सेट डाउन द बो ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री वो कहाँ बैठा रहता है वो एक झाड़ी बो यानी झाड़ी टैमरिन यानि इमली कि बहुत बड़ी झाड़ी के नीचे ये सब अपना सेटअप बनाता है विथ फ्लैंगड पाथ अराउंड थ्रू द टाउन हॉल पार्क और उसकी ये जो सेटिंग थी वो एकदम परफेक्ट जगह पे थी जो कि टाउन हॉल की तरफ से उसका रास्ता आता था इट वॉज़ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज ये जो जगह थी वो एकदम रिमार्केबल थी कई तरीके से अ सर्जिंग क्राउड एंड सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन हिज नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट एक लोगों की भीड़ सुबह से लेकर रात तक के वहाँ ऊपर से नीचे तक के मूव होती रहती अ वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेश रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वेज बहुत सारे ट्रेड्स और ऑक्यूपेशंस उस रास्ते पे होते रहते थे चलते रहते थे जैसे दवाइयाँ बेचना मेडिसिन सेलर सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक जंक और चोरी के सामान हार्डवेयर भी उस रास्ते पे बिकते थे मैजिशियंस एन अबाहल और इसके अलावा एन ऑक्शनर ऑफ द चीप क्लॉथ ऑक्शनर अपने बेचने वाला कौन चीप क्लॉथ सस्ते कपड़े बेचने वाले हु क्रिएटेड इनफ ड ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन जिसकी वजह से दिन भर कर पूरे के पूरे टाउन के लोग वहाँ आते रहते नेक्स्ट टू हिम इन वोसीफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट हु गेव हिज वेयर अ फेंसी नेम ईच डे इसके अलावा वोसी फेरसनेस यानी आवाज बढ़ाने वाला शाउट लाउड एंड नॉइजी जो रहता है दैट इज वोसी फेरसनेस वैसे ही एक वेंडर यानी जो साम चीज़ें लेके इधर से उधर घूमता रहते हैं वो लोग ग्राउंडनट फ्राइड ग्राउंड नट, नट यानी पकी हुई तली हुई मूँगफलियाँ बेचने वाला जो अपने सामानों को रोज अलग अलग नाम देता किसी दिन बोलता बॉम्बे आइसक्रीम नेक्स्ट डे अपने मुँग का नाम रखता दिल्ली ऑलमंड ऑन दर्ड डे द राज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड द पीपल फ्लॉग्ड टू हिम और लोग उसके पास भीड़ लगा के जाते अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डे बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू बहुत सारे लोग उस एस्ट्रोलॉजर के पास भी रोज आते द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ द फ्लेयर विथ क्रैकल्ड एंड स्मोकडअप अबोव द ग्राउंड नट ही नियर ये जो एस्ट्रोलॉजर थे अपना बिजनेस चलाते ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ द फ्लेयर जो अलाइट होती जिसका किसकी जो क्रैकल्ड एंड अप, जो ग्राउंडनट जो पकाते थे तो जो उसकी आवाज और क्रैक स्मोक होती उसमें अपना ये बिजनेस चलाते यानी एक एस्ट्रोलॉजर अपना प्रिडिक्शन कर रहा है वहाँ पे बंद चालू लाइट हो रही है स्मोक उठ रही है तो वो उसके बिजनेस को और अच्छा अपीरियंस दे देता था हाफ द एंटेनमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसपल लाइटिंग और उस जगह की एक और अच्छी पहचान थी या इंचमेंट यानी मैजिकल इफेक्ट या चाम था उस जगह का एक और, और चाम आधा तो जो चाम था वो उस जगह का कैसे बढ़ जाता था वो बढ़ जाता था वहाँ पे म्यूनसिपल लाइटिंग नहीं थी ये भी एस्ट्रोलॉजर के लिए एक बेनिफिट वाली बात थी द प्लेस वॉज लिड बाय द शॉप लाइट्स वहाँ जो जगह थी वहाँ पर रोशनी होती थी आजू के दुकानों की तेज़ रोशनी की वजह से वन आर टू हैड हिस्सिंग गैस लाइट कई दुकानों के पास वहाँ पे गैस लाइट्स थी जो कि हिस हिस आवाज किया करती वन आर टू हैड हिस्सिंग गैस लाइट सम हैड नेक्ट फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स सम वर लिट बाय द ओल्ड दैम्प एंड वन आर टू कुछ जगह पे रोशनी होती कुछ लोगों के पास गैस लाइट रहती जो हिज हिज आवाज करती रहती और गैस लाइट वहां चमक होती सम है डैके फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स कुछ लोगों के पास तो कुछ लोग तो ऐसे मोमबत्ती या कुछ ऐसे फ्लेयर कुछ जलाने की चीज़ जला के रखते सम वर लिट बाय ओल्ड साइकिल लैम्प कुछ पुराने ज़माने के साइकिल लैम्प्स जला के अपनी जगह को रोशनी देते एंड वन आर टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन और कुछ लोग तो खुद की लाइट का कोई सोर्स नहीं रहता पर मैनेज करते जैसे तैसे दूसरों की लाइट के भरोसे It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. ये जो सीन था वो एक कन्फ्यूजिंग और बैफलिंग जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता था एक क्रिस क्रॉस यानी कब लाइट कम आना कभी लाइट ज़्यादा आना एक क्रिस क्रॉस सा पैटर्न बनाता लाइट रेस का और मूविंग शेडोज का दिसड द एस्ट्रोलॉजर्स वेरी वेल और एस्ट्रोलॉजर के लिए ऐसा माहौल काफ़ी अच्छा था फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन दीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर वैन ही बिगेन द लाइफ ये जो था एस्ट्रोलॉजर के लिए सूटेड क्यों था क्योंकि वह असल में एक एस्ट्रोलॉजर नहीं न, न, था न बनना चाहता था वो बिल्कुल इंटेंडेड नहीं था इस प्रोफेशन के लिए जब उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मीनिंग मिनिट एंड ही न्यू नो मोर यानि वो ज़्यादा नहीं जानता था कि दूसरों के साथ आगे जिंदगी में क्या होने वाला है उसी तरीके से वो अपने बारे में तक नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है वैसे तो कोई भी ये नहीं जानता पर एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रिडिक्ट करते हैं कि दूसरों की लाइफ में आगे क्या होने वाला है पर यह उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क था

ट ही सेट द थिंग्स लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ भूलता था विच प्लीज एंड एस्ट्रोनिश्ड एवरी वन जिसकी बातें सुन के सब लोग बड़े खुश और हैरान हो जाते थे देट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंडस्ट्रीब गेस वर्क उसका ये जो था काम था ये और कुछ नहीं एक टाइप का स्टडी था ये उसके सालों की प्रैक्टिस थी और ये उसकी गुड जडिंग शैस गैस करना यानी दूसरों के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना कुछ अंदाजा लगा पाना बहुत ही अच्छे से दूसरों को जज कर कर पाने की यह जो क्लेवरनेस और प्रैक्टिस थी ये सिर्फ वही उसका एस्ट्रोलॉजर का काम था ऑल द सेम इट वॉज एच एज मच एज द ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर और ये उसी तरीके से जैसे कि एक ईमानदार आदमी मेहनत करता है उसी तरीके से भी इस एस्ट्रोलॉजर ने अपने भविष्य में काम किया है और उसी से उसने सब अचीव किया है ही डिज़र्व द वेजेस ही कैरिड होम टू द एंड ऑफ द डे और उसकी उस मेहनत का ही ये नतीजा है कि वो जो पैसे अपने घर में लेके जाता है अपनी मेहनत और अपनी प्रैक्टिस की वजह से ही हैड लेफ्ट इज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस था और प्लान वो अपना गाँव छोड़ के भागा था निकला था अपने गाँव से बिना किसी सोच के बिना किसी प्लानिंग के इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ देयर फोर फादर्स अगर वो वहीं रहता तो उसे भी अपने बड़े बुजुर्गों का जो पुराना काम था वो ही करना पड़ता नेम ली और वो काम क्या था टिल दैंड खेती करना खेत को टिलिंग करना लिविंग वहीं रहना मैरिंग शादी करना एंड राइपनिंग इन हिस कॉर्न फील्ड और अपने भुट्टे के जो खेत हैं उन्हीं में काम करना एंड एनसेस्ट्रल होम यानी और अपने बड़े बुजुर्गों के घर में रहना बट दैट वॉज नॉट टू बी पर ऐसा नहीं था ही हैड टू लीव द होम विदाउट टेलिंग एनी वन उसे घर छोड़ना पड़ा था बिना किसी को कुछ बताए एंड ही कुड नॉट रेस्ट ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ हंड्रेड माइल्स और जो अब जब अपने घर से भागा था तो उसे दौड़ता ही रहा था दौड़ता ही रहा था जब तक कि उसने कुछ हंड्रेड माइल्स रास्ता तय नहीं कर दिया था टू ए विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एक छोटे से गांव के एक छोटे से इंसान जिसने अपने ज़िंदगी में कोई प्लान नहीं किया है उसके लिए खाली हाथ बिला बिना प्लानिंग के गाँव से भाग जाना एक बहुत बड़ी बात होती है एज इफ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन जैसे कि उसके और गांव के बीच में एक समुद्र आ गया हो यानी इतना बड़ा रास्ता तय कर लिया उसने और उस जगह को छोड़ के जाना यानी उसके लिए समुद्र तय करने के बराबर है यानी एक बहुत बड़ा रास्ता बहुत बड़ी कुछ चेंज ला लेने के बराबर है उसको हम बड़ा बदलाव भी बोल सकते हैं ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैन मैन काइंड मैरिज मनी एंड दट एगल्स ऑफ द ह्यूमन टाइज उसने बहुत दिन तक के एनालिसिस की ध्यान दिया स्टडी की लोगों की तकलीफ़ों के बारे में शादी से रिलेटेड पैसों के बारे में आपस में जो इंसान रहते हैं उनके जो रिलेशन्स होते हैं उसके बारे में लॉन्ग प्रैक्टिस एट शार्पन्ड हिज परसेप्शन कंटिन्यूस प्रैक्टिस से उसकी जो परसेप्शन है उसकी जो समझने की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ा दी विद इन फाइव मिनट्स ही अंडरस्टूड वॉट वॉज रॉन्ग अगर वो किसी इंसान के साथ पांच मिनट बैठ जाए तो वो समझ जाता था कि उसके साथ क्या गलत हुआ था चार्ज थ्री पाइस पर वो पैसे चार्ज करता था तीन पाइस एक क्वेश्चन के तीन पाइस वो लोगों से लेता था नेवर ओपन हिस्स माउथ टिल ड स्पोकन फॉर एटलीस्ट टेन मिनट उसकी एक बहुत बढ़िया आदत थी पहले बाजू वाले को तो कम से कम वो दस मिनट बात करने देता तब तक के तो अपने मुँह से कुछ नहीं बोलता सारा मैटर तैयार हो जाता उसके पास जो उसके डजन आंसर्स देने के लायक हो जाता वैन he टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट his पाम वो किसी पर्सन से जब बात करता तो उसके हाथ की तरफ घूर घूर के देखता इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर एफर्ट्स वो लोगों को बोलता कई तरीके से तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल नहीं मिलता तुम जो काम करते हो उसका पूरा रिजल्ट तुम्हें कभी नहीं मिलता नाइन आउट ऑफ टेन वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम नौ दस में से नौ लोग तो उसकी बात मान ही जाते और ही क्वेश्चन इज़ देअर एनी वुमेन इन योर लाइफ योर फैमिली क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी औरत है मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव भले वो दूर के रिश्तेदारी कौन को, को न हो हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू जो तुम्हारी तरफ बात की तरफ ध्यान नहीं देती और ही गेव एनालिस ऑफ द कैरेक्टर्स इसी से उसके कैरेक्टर का उसको एनालिसिस मिल जाता स्टडी मिल जाता मोस्ट ऑफ योर टब ट्रबल आर ड्यू टू यूर नेचर और वो एक सेंटेंस पर्टिकुलरली लोगों को बोलता ज़्यादा करके तुम्हारी ज़िंदगी में तकलीफें तुम्हारे स्वभाव की वजह से आती हैं यू कैन हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटन वेयर ही इज नहीं तो ये सैटन तुम्हारे पास कैसे रहता वो तारों के नाम बीच बीच में लेता यू हैव एन इम्पीटियस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर तुम्हारा एक इम्पल्सिव नेचर है तुमको गुस्सा जल्दी आ जाता है और बाहर से तुम एकदम अलग हो दिस एंडियड हिम टू देयर हार्ट्स इमिजिएटली जिससे लोग उसे मेड इंडियड मतलब मोर लाइके मेड लाइकेबल उनकी बातें ऐसे लोगों को बहुत पसंद आने लगती वो उनके दिल में बातें बैठ जाती फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ़ अस लवस टू थिंक दैट ही हैज़ अ फोर बिड एक्सटीरियर वो बहुत मज़े से लोगों की बातों को समझता और उनको अपनी बातों में ढाल लेता दिस इंडियर हिम टू देयर हार्ट्स इमीजिएटली यानी ये जो अपनी बात हर एक किसी को भी तो आप ये बोलो कि तुम्हारा नेचर अंदर से अलग है ऊपर से तुम रफ दिखते हो तो एक तरीके की ये चापलूसी हो जाती है इस बात से सब लोग ज़्यादा करके खुश हो जाते उनके दिल अंदर से खुश हो जाते वो ये सोचते फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ़ अस लव्स टू थिंक दैट हमारे में से अगर कोई एकदम माइल्ड है जिसको गुस्सा भी ना आता हो फिर भी उसको ये सुन के बड़ी खुशी होती है कि वो बाहर से अलग है अंदर से उसकी सोच अलग है इस तरीके से कह के जो एस्ट्रोलॉजर है वो सबको अपनी बातों में ला लेता खुश कर देता और उसका जो काम है वो बहुत बढ़िया चल रहा था द नट्स वेंडर ब्ल्यू आउट हिस्स फ्लेयर एंड रोज टू गो होम जो मुंगफलियां बेचता है जिसको हम नट्स बोलेंगे वो जो नट्स वेंडर जो है उसने अपने आग आँग को भुजाया और घर चलने के लिए तैयार हुआ दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू ये एस्ट्रोलॉजर के लिए एक सिग्नल होता कि बस अब रात हो गई है अब घर चलो सिंस इट लेफ्ट इन हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेअ इन हिम इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम नट्स का नट्स वाले की जो लाइटिंग है उसका जो धुआं है उसमें वो बड़े आराम से अपना काम चलाता है पर जब वो भी चला जाता तो उसके लिए सिर्फ डार्कनेस बच जाती एक थोड़ी सी लाइट जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो एक शेफ्ट ऑफ लाइट आती है ना वैसे शेफ्ट बोलते हैं उसको एक थोड़ी सी शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट जो है वो आजू बाजू में रहती है जो थोड़ा सा उसके पास के ग्राउंड को टच करती है। ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट जब जो उसने धीरे से जैसे ही वो जाने लगा मूँगफली वाला उसने भी अपने कॉवरी शेल यानी मैंने बताया था पहले ही कि जो एनिमल के जो कुछ पार्ट्स के जो शेल हैं वो और पैराफेरनेलिया का मतलब होता है अपने काम के लिए हम जो छोटे छोटे आर्टिकल्स को फैला के वो रखता था कुछ पत्ते कुछ अलग अलग डिज़ाइंस कुछ अलग अलग डिफरेंट थिंग्स जो उसको एक एस्ट्रोलॉजर एक पंडित का लुक देता था उन उन सब चीज़ों को कलेक्टिवली बोला जाता है इंग्लिश में पैराफेरनेलिया उसने पूरे पैरा ने, ने आजू बाजू में रखी हुई छोटी छोटी चीजों को समेटा और वापस बैग में डालने लगा वेन द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट और उस टाइम पे ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट उधर आ रही थी ही लुकड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम उसने ऊपर मुंडी उठाई और देखा उसके पास जो आदमी एक आदमी आके खड़ा हो गया था ही सेंसड पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड उसको लगा ये एक बढ़िया क्लाइंट हो सकता है उसने उसको अपनी बातों में लाने के लिए बोला यू लुक सो केयरवॉन इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर वाइल एंड चैट विथ मी तुमको मेरी शायद ज़रूरत महसूस होती है या तुम्हारे को तुम थोड़े से तुम्हारे को शायद कुछ चाहिए तुम कुछ ढूंढ रहे हो तुम बैठो मेरे पास आके मेरे से बातें करो तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ द अदर ग्रम्पल्ड सम रिप्लाई वेगली उसने कुछ अजीब सा रिप्लाई दिया एस्ट्रोलॉजर प्रेस इन्विटेशन पर एस्ट्रोलॉजर को लगा बढ़िया क्लाइंट है कह को छोड़ू तो उसने वापस एक बार उसको इन्वाइट किया कि बैठ मेरे साथ बात कर वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिस्स under अंडर हिज नोस दूसरे को उस वक्त जैसे गुस्सा सा आ गया उसने अपना हाथ उसके से नाक के सामने लेके आ गया और बोला यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर कहलाते हो तुम भविष्य हो तुम भविष्य की बातें बता सकते हो द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट एस्ट्रोलॉजर को लगा ये तो बड़ा चैलेंज कर रहा उसने बोला the other palms the green shaft of light. उसने टूवर्ड्स दूसरे हाथ को ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइफ की तरफ खींचते हुए बोला यूर्स इज अ नेचर उसने वो ही अपनी ट्रिक यूज करना शुरू किया कि तुम्हारा नेचर तो उसने बोला ओह स्टॉप दैट मेरे को ये फालतू बातें तुम्हारी नहीं सुननी द अदर सेड टेल मी समिंग वर्थ वाइल अगर तुम खुद को एस्ट्रोलॉजर समझते हो तो कुछ समझने लायक कुछ ऐसी बात बोलो जो लायक लगे एस्ट्रोलॉजर जो है तुम भविष्य देख पा रहे हो ऐसा दिखे आर फ्रेंड फेल्टूड ये जो हमारा फ्रेंड है उसने फेल्ट इिटेटेड अनॉयड और रिसेंटेड उसने जो जो आदमी है उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था आई चार्ज उसने बोला आई चार्ज ऑनली थ्री पाइस पर क्वेश्चन मैं सिर्फ तीन पैसा लेता हूँ एक क्वेश्चन के एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी एंड वॉट यू गेट और वो जो है जो मैं आंसर देता हूँ वो तुम्हारे पैसों के लायक ही आंसर रहते हैं वो तुम्हारा काम कर देते हैं एट दिस द अदर विड्रू हिजाम इस बात को सुन के उस आदमी ने अपना हाथ पीछे हटाया टुक आउट एंड आना उसने तीन पैसे नहीं आना निकाला एंड फ्लंग इट आउट टू हिम और उसकी तरफ उछाल के फेंका सेइंग आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क मुझे भी कुछ पूछ कुछ क्वेश्चन पूछने हैं इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी with इंटरेस्ट अगर मुझे ये लगा कि तुम तो मुझे ब्लफ कर रहे हो तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो तो फिर ब्लफ कर रहे हो यानी मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो मुझे धोखा दे रहे हो पटाने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे यही आना इंटरेस्ट के साथ वापस करना इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गेव मी फाइव रुपीज उसने बोला ठीक है अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो अगर मेरे जवाब तुमको सही लगे तो क्या तुम मुझे पाँच रुपए दोगे नो no. और विल यू गेव मी एट आना क्या तुम मुझे आठ आना दोगे ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गेव मी टाइज एज मच इफ यू आर रॉन्ग ठीक है मैं तुम्हारे को देने के लिए तैयार हूँ लेकिन अगर आई ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गेव मी ट्वाइज एज मच इफ यू आर रॉन्ग सेट द स्ट्रेंजर जो स्ट्रेंजर जो आदमी था जो आके हाथ दिखाने बैठा बोला ठीक है मैं तुमको आठ आना दूंगा तो तुम मेरे को आने का डबल दे देना अगर तुम्हारा आंसर मुझे गलत लगा तो दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर ऑर्ग्यूमेंट इस तरीके से इस बात पर वो लोग एग्री हुए कि अगर उसका आंसर गलत लगेगा तो वो डबल पैसे देगा और सही लगेगा तो उसको आठ आने मिलेंगे द एस्ट्रोलॉजर सेंट पे जो सीन है वो यही दिखा रहा है ये जो एस्ट्रोलॉजर है अपने सर पे जैसे उसने लगा के रखा है उसकी मुस्तैज देखो जो उसके मुंह तक आ रही है उसकी आंखों की चमक और वो जो सामने बैठा है वो स्ट्रेंजर यहाँ पे उसके कपड़े जो पहले डिस्क्राइब किए गए थे वो सब यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है ना अभी हम आगे बढ़ते हैं द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप प्रेयर टू हैविन एज द अदर लिट अ ची रूट और जैसे ही एस्ट्रोलॉजर को ये बात बोली एस्ट्रोलॉजर ने प्रेयर करना शुरू की भगवान से और जो दूसरा स्ट्रेंजर है उसने सिगार फूक लिया अपना द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ स्पेस बाय द मैच लाइट जैसे ही उसने सिगार जलाने के लिए माचीस जलाया तो उस माचीज की रोशनी में उस स्ट्रेंजर का चेहरा उस एस्ट्रोलॉजर को दिख गया देयर वॉज अ पॉज एज द कार हु ट्रेड ऑन द रोड और उस मैच लाइट में ऐसे जैसे मूवीज में पॉज होता है कुछ अलग सा स्ट्रेंजर देखें तो सिचुएशन रुक जाती है उसी वक्त ही कार की एक लाइट में वो जो सिचुएशन थी उसमें सब कुछ खड़ा हो गया एक पॉज हो गया कार की आवाज़ें आ रही थी कार आवाज़ कर रही थी रोड पे जुटका ड्राइवर्स स्वर एट देयर हाउ हौ हॉर्सेस जुटका मतलब हॉर्स ड्राइविन कार्ट जैसे बैलगाड़ी होती है वैसे घोड़ा गाड़ी होती है तो घोड़ा गाड़ी के जो ड्राइवर्स हैं जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं वो भी अपने घोड़ों को लेकर घर की तरफ बढ़ रहे थे एंड द बेबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क और वहाँ का जो क्राउड था वो कम होता जा रहा था जो दिखा रहा था कि हल्की हल्की अंधेरा शुरू होते जा रहा है द अदर सेट डाउन एंड दिस् चरूट पफिंग आउट सेट देअर रूदलेसली और जो अदर सेट डाउन मतलब जो स्ट्रेंजर है वो बैठा हुआ था अपने चिरूट यानी सिगार को पफ ले रहा था और बिल्कुल रूदलेसली एकदम गुस्से में जैसे अजीब जो लोग रहते हैं वैसे अपना सिगार मजे से पी रहा था द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल पर अचानक ही एस्ट्रोलॉजर को सब कुछ अनकम्फर्टेबल सा लगने लगा हीयर टेक यूर आना बैक ये लो अपना आना एम नॉट यूज टू सच सै चैलेंजेस मुझे ऐसे चैलेंजेस पसंद नहीं है इट इज लेट फॉर मी टुडे आज मुझे बहुत देर हो चुकी है मुझे घर जाना है ही मेड द प्रिपरेश टू बंडल अप और ऐसा बोल के एस्ट्रोलॉजर सभी चीजों को बांधने लगा और प्रेपरेशंस करने लगा द अदर हेल्ड इज व्रिस्ट एंड सेड दूसरे ने अपना हाथ आगे किया और बोला यू कॉन्ट गेट आउट ऑफ इट नाउ अब तुम यहां से इस बात से निकल नहीं सकते तुमने मेरे को जबरदस्ती अपने पास बुलाया है मुझे जबरदस्ती अपना हाथ दिखाया है मेरे से चैलेंज हुआ है अब तुम वह पीछे नहीं जा सकते you dragged me in while I was passing. मैं तो यहां से क्रॉस कर रहा था। तुमने ही मुझे अपने पास बुलाया है और इस सभी चीजों में डाला है द एस्ट्रोलॉजर शिवड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकम फेंट एस्ट्रोलॉजर अभी तक बड़ा कॉन्फिडेंट था थोड़ा उसकी ग्रिप जो है वो थोड़ी हाथ जो है कांपने लगे उसकी ग्रिप थोड़ी ढीली पड़ी एंड इज वॉइस शूक उसकी आवाज़ जो है वो भी थोड़ा लड़कड़ाने लगी और वो थोड़ा धीरे से बोलने लगा लीव मी टूडे आई विल स्पीक टू यू टू आज मुझे छोड़ दो मैं कल तुमसे बात करूँगा द अदर थर्स्ट इज पाम इन हिस्स फेस एंड सेड चैलेंज इज चैलेंज गो ऑन जो स्ट्रेंजर था उसने गुस्से से अपना हाथ आगे किया उसके मुंह की तरफ बोला बोले चैलेंज चैलेंज ही होता है अब ये चलेगा ही कल तक के ये नहीं जाएगा द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ थ्रोट ड्राइंग अपस्ट्रोलॉजर ने भी <coughs> करके अपना गला साफ किया और बोला देर इज अ वूमेन उसने बोला एक औरत जैसे वो अपनी चालें चलता है पहले जैसे लोगों को बोलता था वैसा पहले बोला तो उसने तब सुना नहीं अब वो वुमेन करके जो बात बोल रहा था अब स्टॉप सेट द अदर फालतू बकवास नहीं दूसरे ने बोला आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट मुझे ये फालतू रबिश बातें नहीं सुननी है शेल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या मैं जो जिस चीज को ढूंढ रहा हूँ मैं उसे ढूंढने में सक्षम रहूंगा मैं उसे ढूंढ पाऊँगा कि नहीं आंसर दिस एंड गो मेरे को सिर्फ इसी बात का जवाब चाहिए अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस ऑल योर क्वाइंस नहीं तो अगर तुमने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम अपने सारे के सारे क्वाइन डिस्चार्ज मतलब यील्ड आर सरेंडर अंडर प्रेशर यानी मैं तुमको धमका के तुम्हारे सारे पैसे ही तुमसे छीन लूंगा द एस्ट्रोलॉजी मटर्ड अ फ्यू Incantations and replied. Incantations यानी supposedly magical words जैसे आबरा का डाबरा ऐसे वर्ड्स नहीं होते हैं जो बड़े ज्योतिष वगैरह बोलते हैं गिली गिली छू ऐसे वर्ड्स उसने जो मंत्र बोलते हैं वैसे उसने अपने मुंह में ऐसे मटड़ भुन भुनाए मटड ना भुन भुना के धीरे धीरे बोले और बोला ऑल राइट आई विल स्पीक ठीक है मैं बोलूँगा बट विल यू गे मी अ रुपी पर क्या तुम तो मुझे एक रुपया दोगे इफ वॉट आई सेन्विंसिंग अगर वो तुम्हारे को कन्विंसिंग लगा तुम्हारा आंसर सही लगा अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ नहीं तो मैं अपना मुँह नहीं खोलने वाला हूँ यू मे डू वॉट यू लाइक तुम्हारे जो मर्जी पड़े वो कर लो आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होने के बाद हैगलिंग मीन्स बार्गेन एंड अदर एग्रीड वो जो एस्ट्रेंजर है इस बात पर मान गया द एस्ट्रोलॉजर सेड यू आर लेफ्ट फॉर डेड एम आई राइट तुमको किसी ने मार के फेंक दिया था क्या मैं सच बोल रहा हूँ किसी ने तुम्हारे अंदर से चाकू घुसा दिया था सेट द एस्ट्रोलॉजर गुड फेलो हाँ बिल्कुल सही बात है ही बाज हिज चेस्ट टू शो द स्कार वॉट एल्स उसने अपनी चेस्ट जैसे चेस, अपनी शर्ट को ऐसे ऊपर उठा के स्कार्स उसका निशान दिखाया और बोला और क्या और क्या बोलो और क्या बताना चाहते हो देन यू आर पोर्ट इन टू वेल नियर बाय इन द फील्ड यू आर लेफ्ट फॉर डेड और इसके बाद तुमको उठा के कुएं में फेंक दिया गया था जो खेत के सामने था यू आर तुम्हारे मरने के लिए यू आर लेफ्ट फॉर डेड तुमको वहां छोड़ दिया गया था मरने के लिए

अति खुश हो जाने को बोलते हैं ओवरवेलम्ड वो इतना खुश हो गया उसकी बातों से इतना एंथ्यूजियाजम से खुश हो गया वेन शेल आई गेट इट हिम ही हिज फिस्ट उसने अपनी मुट्ठी को ऐसे मरोड़ते हुए फिस्ट यानी यानी मुट्ठी ऐसे मुट्ठी बांध के जैसे किसी को मारने के लिए मुक्का मारने के लिए मुट्ठी बांधते हैं ना वैसे क्लेंचिंग फिस्ट करके उसने पूछा बताओ मेरे को वो आदमी कब मिलेगा इन द नेक्स्ट वर्ल्ड अगली दुनिया में आंसर द एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर ने बोला ही डाइड फोर मंथ्स अगो इन अ फॉर ऑफ टाउन एक दूर एक गांव में चार महीने पहले वो आदमी मर चुका है यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम वो तुमको कभी नहीं मिलेगा तुम उसको देख नहीं सकते द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट अदर जो है वो गुर्राने लगा गुस्सा करने लगा यह बात सुन के द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडियर एस्ट्रोलॉजर ने आगे बोला गुरु नायक उसका नाम बोला वो आदमी का नाम था गुरुनायक यू नो माय नेम तुम मेरा नाम तक जानते हो द अदर सेड सेड टेक इन बैक वो हैरान हो गया पीछे होके एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरुनायक लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से जैसे मैं बाकी जानता हूँ वैसे तुम्हारा नाम भी जानता हूँ अब ध्यान से सुनो मैं जो तुम्हें बोलना चाहता हूं योर विलेज इज टू डे जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन इस, गा, इस शहर से तुम्हारा गांव दो दिन की जर्नी पे है टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन एक नई आने वाली जो नेक्स्ट ट्रेन है जाओ और अपने गांव चले जाओ आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर ऑफ योर लाइफ मेरे को तुम्हारी जिंदगी में फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत दिखाई दे रही है इफ़ यू गो फॉर फ्रॉम होम तुम सीधा घर चले जाओ ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेकर्ड एश एंड हेल्ड इट टू हिम उसने अपनी होली ऐश जो राख वो अपने सर पे लगाता है वो थोड़ी सी निकाली और उसको दी रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम अपने ये सर पे राख लगाओ और अपने घर चले जाओ नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन अपने घर से साउथ डायरेक्शन में कभी नहीं आना एंड यू विल लिव टू बी 100 अगर तुम इस साउथ डायरेक्शन में कभी नहीं आए तो सौ साल तक जिंदा रहोगे वाई शुड आई लीव होम अगेन अब मुझे फिर से अपना घर छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है द अदर सेट रिफ्लेक्टिवली I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. मैं तो हमेशा अपने घर से इधर और उधर इसीलिए ही भागता था कि मैं उसको पकड़ूं जिसने मुझे बिना मतलब के मारा था और उसकी जिंदगी उससे छीन लूं अगर वो मुझे मिले तो ही शुक इ ही शुक इज हैड रिग्रेटफुली उसने अपना सर जो है ऐसे हिलाया ऐसे पछतावे के साथ ही हैज़ स्कब्ड माई हैंड वो मेरे हाथों से बच गया आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्वड मैं होप करता हूँ वो वैसा ही मरा हो जैसा मैंने चाहता था येस सेट द एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर ने बोला हाँ वो वैसा ही मरा था ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी एक ट्रक के नीचे वो आ गया था और पूरा क्रश हो गया था ख़त्म हो गया था द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट उसकी बात सुन के जो गुरु नायक है जो स्ट्रेंजर है वो काफ़ी खुश हुआ द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पैक पिकड अप हिज आर्टिकल एंड पुट दैम इन टू हिज बैग जब तक कि ये सब कन्वर्सेशन चल रहा था ये सब बातें चली चल रही थी तब तक वो प्लेस पे कोई नहीं था डेजर्टेड यानी पूरी खाली हो चुकी थी उस टाइम तक के जब तक कि वो अपने सभी आर्टिकल्स को उस बैग में न डाल दे, द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन वो जो ग्रीन लाइट की रोशनी उधर तक आ रही थी वो तक जा चुकी थी लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड सैलेंस उस प्लेस से सब लोग चले गए बस वहाँ बच गया एक अंधेरा और शांति द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट रातों रात वो स्ट्रेंजर भी वहाँ से चला गया आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंड फुल ऑफ कॉइंस उसने एस्ट्रोलॉजर को एक मुठ्ठी भर के कॉइन्स दिए इट वॉज नियरली मिड नाइट वैन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम ये पूरे बारह रात मिड नाइट हो चुकी थी जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुँचा हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन उसकी वाइफ जो है वो दरवाजे पर खड़ी होकर उसका रास्ता देख रही थी और उससे पूछा आखिर क्यों इतनी देर कर दी है ही फ्लंग द कॉइंस एट अर हैंड एंड सेट काउंट दैम वन मे मैन गेव ऑल दैट उसने बहुत सारे कॉइन्स जो उसके पास थे वो उठा के उछाल के अपनी वाइफ को दे दिए और बोला इसे गिनो एक आदमी मुझे ये पैसे दे गया है ट्वेल्व एंड हाफ आना ट्वेल्व एंड हाफ़ आना है ही सेट काउंटिंग उसने काउंट करके बोला शी वॉज ओवर ज्वाइड वो बहुत खुश थी आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टमोरो मैं कली गुड़ और नरियल बच्चों के लिए ले आऊंगी द चिल्ड्रन हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज बच्चे कुछ मीठा खाने का जिद कर रहे हैं बहुत दिनों से आई विल प्रपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर मैं उसके लिए कुछ अच्छा बनाऊँगी द स्वाइन हैज चीटेड हिम मी उस आदमी ने मुझे चीट कर दिया ही प्रॉमिस्ड मी रुपी उसने बोला था मुझे एक रुपया देगा सेट दस्ट्रोलॉजर शी लुक डेट हिम उसकी वाइफ ने ऊपर मुंडी करके देखा बोला क्या हुआ शी लुक वर एड वट इज रॉन्ग उस वाइफ उसकी वाइफ काफी चिंतित दिख रही थी उसने बोला आखिर क्या बात है क्या बात है कौन था वो आदमी नथिंग कुछ नहीं कोई बात नहीं है आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पायोल डिनर हो जाने के बाद वो जाके एक स्ट्रिंग कॉट यानी खटिया जिसको बोलते हैं ना पुराने जमाने में रस्सी की बनी हुई जो खटिया होती थी उस पर जाके बैठे पायोल यानी खटिया टू तो टोल्ड हर और बोले डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे तुमको मैं क्या बताऊँ? मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है मेरे सर से आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स सालों से मैं ये सोच रहा था एक आदमी का मैंने खून किया है और वो मेरे सर पे हमेशा बोझ था देट वॉज द रीज़न वाई आई रेन अवे फ्रॉम होम एंड सेटल्ड हीयर यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैं अपना गांव छोड़ के भागा था और यहाँ आके सेटल हुआ एंड मैरिड यू और तुमसे शादी की ही इज़ अलाई वो आदमी ज़िंदा है जिस जिसका मेरे हाथों से खून हुआ था शी गैप्स वह हैरान रह गई यू ट्राई टू किल हिम क्या तुमने किसी को मारने की कोशिश की थी yes इन आर विलेज हाँ गांव में मेरे वेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर जब मैं एक मूर्ख जवान लड़का था वी ड्रैंक हमने दारू पी gambled दुआ जुआ खेली क्वारल्ड लड़ाई की badly आपस में खूब लड़े वाई थिंक ऑफ इट नाउ क्यों अभी सोचूं उन सब बातों के बारे में टाइम टू स्लीप अब तो सोने का वक्त है ही सेड योरनिंग वो ऐसा बोला और यॉन किया उसने और अपने हाथ पाँव फैलाए और फैल हाथ पाँव फैला के यॉन करके कंफर्टेबल होके अपनी पायोल यानी खटिया पे सो गया इट इज रिटन बाय आर के नारायण पर अब स्टोरी का क्या था ये असल में ये जो गुरु नायक था ये वही आदमी था जिसको ड्रंक करके एस्ट्रोलॉजर ने गांव में मारा था पर अब एस्ट्रोलॉजर का लुक पूरी तरीके से बदल चुका था और उसने अपने लुक को बहुत बदल दिया था और वो उस दिन गांव से भाग गया था उसको मारने की स्थिति में छोड़ के दारू पी के झगड़ा करके अननोन आदमी से शायद उसने झगड़ा किया था और वो उसको पहचान तक नहीं पाया उससे काफ़ी झगड़ा करके उसको कुएं में फेंक के वो डर के मारे कि उसने उसका खून कर दिया है और वो गांव से भाग गया अपनी जमीन अपने काम छोड़ के और यहाँ का एस्ट्रोलॉजर करके सेट हुआ जब उस गुरु नायक के ऊपर वो एक छोटी सी लाइट का, कार की लाइट और या मैचिस्टिक की जो लाइट आई तो उसने उसको मारा था इसलिए उसका आंखों से उसका चेहरा कभी नहीं गया था तो उसको पहचान गया कि ये तो गुरु नायक है पर जो गुरु नायक है वो एस्ट्रोलॉजर को पहचान नहीं पाया उसने इस चीज का फायदा उठाते हुए उसने उसको बोला उसको सारी इंसिडेंट्स पता था क्योंकि ये उन दोनों के बीच का ही इंसिडेंट्स था तो उसने प्रेडिक्शन के हिसाब से उसको बताया कि वो आदमी मर चुका है और एस्ट्रोलॉजर के सर से भी ये टेंशन निकल गया कि उसने किसी का खून किया है और ऊपर से उसने गुरु नायक को ये भी बोल दिया कि आदमी चार महीने पहले मर चुका है तो गुरु नायक के मन को भी शांति आ गई कि वो आदमी तो पहले ही मर गया है तो मुझे अब कुछ करना नहीं है और यहाँ पर भी इतनी बात थी कि इतना बड़ा इंसिडेंस जिसने उसको मारा था वो जिंदा है तो आज उसको ये बात बताने के लिए भी एस्ट्रोलॉजर ने उससे पैसे लिए तो वो भी पैसे कुछ कम होने पे वो रिग्रेट कर रहा था कि उसने एक रुपये की जगह पे मुझे कुछ कम पैसे दिए इस तरीके की ये जो स्टोरीज़ है ये आर के नारायण जी इसी तरीके का सिंपल ह्यूमर वाली बात जिसको थोड़ा समझना पड़े दिमाग लगाना पड़े इसी तरीके की, की स्टोरीज को वो डिस्क्राइब करते हैं